बांका जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें कांवड़ियों के एक झुंड को अनियंत्रित स्कॉर्पियो गाड़ी ने कुचल दिया है। इस घटना में 4 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 1 की अस्पताल ले जाते समय जान चली गई। वहीं कई लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में हो रहा है। दरअसल यह हादसा फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र के नगरडी गांव के पास हुआ है जब सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल भरकर जेठौरनाथ महादेव मंदिर जा रहे थे। वहीं घटना के बाद स्कॉर्पियो का चालक फरार हो गया जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की 112 टीम के वाहन को आग के हवाले कर दिया। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस पर भी ग्रामीणों ने हमला किया जिसमें एएसआई बब्बन मांझी गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि मृतकों की पहचान रामचरण तांती, लाखो कुमारी, ललिता देवी, सुमित्रा देवी और चुल्हो देवी के रूप में की गई है। वहीं घायलों में जूली कुमारी, पुतुल देवी, जानी देवी, छविलाल देवी और शांति देवी शामिल है। घटना के बाद स्थिति अब नियंत्रण में बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे इलाके के पिठहरी बाजा हमारे गांव के भी कुछ लोग थे सुल्तानगंज से जल लेकर के जेठौरनाथ प्रत्येक साल जाते थे, शरद पूर्णिमा के दिन वहां से उठाते थे। वही लोग 350 लोगों की भीड़ थी जो जा रही थी, उस तरफ से एक स्कॉर्पियो वाला आया और उसी समूह को चीरते हुए निकल गया। उसी में 4 लोगों का डेड बॉडी है और लोगों को प्रशासन ने हॉस्पिटल भेजा है। 7:30 बजे के लगभग की घटना है, काफ़ी दुखद घटना है। एक स्कॉर्पियो के द्वारा ज्ञात वाहन के द्वारा जो है कुछ कवरिया जा रहे थे नजदीक आते हुए उसी में जो है एक्सीडेंट की घटना हुई है। कुल अभी फिलहाल जो है 4 लोग इसमें मृत अवस्था में पाए गए हैं यहाँ पर, और विधि व्यवस्था की थोड़ी बहुत दिक्कत शुरुआत में थी लेकिन अभी हम लोग आ गए हैं। यूपीवाटी की टीम भी आई है, 3 थानों की पुलिस भी यहाँ पे है, तो अभी सब कुछ सामान्य हो चुका है और एक पुलिस गाड़ी जलाई गई है उसका फिर हम लोग उसको देख रहे हैं। पुलिस बल पर भी हमला हुआ था सर? नहीं, पुलिस बल पर ऐसा ही घायल है। की नाम छिका? कहाँ से आबे रहो? कहाँ रो जाए ना? जेठौरनाथ। कत्ते आदमी चलो? कत्ते आदमी रहो? 900 आदमी रहो। ऐसे होलो रे कि हमसने आगु चलो? अच्छा, कितना आगु रहो? हमसने अच्छा आगु। भागलपुर जिले के नवगछिया में पुलिस ने सीटू यादव हत्याकांड के कुख्यात आरोपी पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। कुख्यात अपराधी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। नवगछिया एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पप्पू यादव को 2 अवैध हथियार और 8 कारतूस के साथ बेलोरा दियारा के महलैया घाट से गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी सीटू यादव की हत्या के मामले में हुई जो 13 अगस्त 2024 को पप्पू यादव और उसके साथियों द्वारा गोली मार कर की गई थी। पुलिस ने पहले इस मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जबकि पप्पू यादव फरार चल रहा था। पुलिस ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी टीम का गठन किया था जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि पप्पू यादव का आपराधिक इतिहास भी रहा है जिसमें 6 अप्रैल 2023 को नदी थाना क्षेत्र के दोढ़िया में हुए वर्चस्व विवाद के दौरान पुलिस टीम पर हमले और फायरिंग की घटना में भी उसकी संलिप्तता रही है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जी, कल रात में नवगछिया पुलिस के द्वारा एक विशेष समकालीन अभियान चलाया गया था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें मुख्य रूप से हमने 25,000 रुपए का इनाम, जो कि 7 केसेस उसके ऊपर थे एवं 4 केस में फरार चल रहा था पप्पू यादव को, पहले के कुख्यात अपराधी शबनम यादव के वास्ते से गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से इसको जगह है जो गिरफ्तार किया गया है? उसको कोसी नदी के दियारा से गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से कुछ मिला है? जी, इसके पास से एक मस्कट, एक देशी कट्टा एवं 8 राउंड्स मिले हैं। इसका मकसद क्या था वहाँ पे हथियार के साथ? यह जब से फरार हुआ है तब से ये उसी बासा पर छुपा रहता था, ये इधर आकर के क्राइम करने की नीयत से उस बासा पर रह रहा था। किस तरह का इसका आपराधिक इतिहास है सर? इसके आपराधिक इतिहास में इसने 2023 में सिंटू को मारा था, उससे पहले ये पुलिस पर भी फायरिंग कर चुका है एवं इसके ऊपर रंगदारी 307 27 आर्म्स एक्ट के अन्य मामले भी हैं। इसके पकड़ने से दियारा क्षेत्र में क्या कुछ देखिए, पूर्व से शबनम जेल में है, पप्पू के पकड़ने के बाद हम लोगों को लगता है कि दियारा क्षेत्र में शांति बरकरार रहेगी।
भागलपुर के नाथनगर भतौड़िया कंजिया फोरलेन चौक के समीप ओवरब्रिज और अंडरपास की मांग को लेकर क्षेत्र के लोगों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि फोरलेन बाईपास का निर्माण होते ही भतौड़िया कंजिया चौक का रास्ता बंद हो जाएगा, जिससे करीब 50 गांवों का आवागमन बाधित हो जाएगा और लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक ओवरब्रिज या अंडरपास का निर्माण नहीं हो जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अगर प्रशासन उनकी मांगों को नजरअंदाज करता है तो वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा वे बड़ी संख्या में रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुँचने की योजना भी बना रहे हैं। वहीं धरना को समर्थन देने के लिए पूर्व बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणि हिमांशु और डॉक्टर अशोक कुमार आलोक सहित अन्य नेताओं ने भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। इन नेताओं ने कहा कि ग्रामीणों की मांगे जायज है और अगर यहां ओवरब्रिज या अंडरपास का निर्माण नहीं हुआ तो लाखों लोगों का आवागमन प्रभावित होगा, जिससे उन्हें गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये विकराल समस्या का रूप लेता चला जा रहा है। जब जनता ने मुझे नाथनगर दक्षिणी का जिला पार्षद बनाया था, इस समस्या को लेकर के हम प्रतिनिधिमंडल के साथ डीएम साहब से मिलने के लिए गए हुए थे और उनको प्रतिवेदन भी दिए हुए थे। निश्चित तौर पर ये सड़क चंपा नगर से होते हुए भतौड़िया दरियापुर से होते हुए अमरपुर बांका तक जाती है, तो ये निश्चित तौर पर जिला प्रशासन, जिला के वरीय पदाधिकारी के साथ साथ प्रदेश और केंद्र सरकार की हमारी जनता के लिए विफलता है, हमारी जनता के लिए विफलता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो भागलपुर से, नाथनगर से जो हमारे वरीय प्रतिनिधि जो चयन करके पटना विधानसभा में जाते हैं या दिल्ली लोकसभा में जाते हैं, वो भी सरकार को ये चेता नहीं पाते हैं कि इतनी बड़ी समस्या को आपने खड़ा किया है। अगर ये अंडरपास या ओवरब्रिज नहीं बनता है तो जनता को निसंदेह काफी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है और जनता अंग्रेजी शासन में नहीं जी रही है, ये जनता की अपनी चुनी हुई सरकार है, अपनी चुनी हुई शासन सत्ता है। और अगर ऐसे परिस्थिति में जनता को इतना कष्ट का सामना करना पड़े कि अगर 500 मीटर पर जाने के लिए उसे 5 किलोमीटर घूम करके जाना पड़े तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही गलत है। 5 किलोमीटर तक जनता 5 मीटर पर जाने के लिए 5 किलोमीटर नहीं घूमेगी और ये अन्याय है। इसलिए यह धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और आपका यह ठीक कहना है कि जिला प्रशासन का अगर कानों पर जू नहीं रेंगी है, इसका मतलब है ये जिला प्रशासन का फेल्योरनेस है और इस फेल्योरनेस को दूर करने के लिए जनता के साथ साथ जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भागलपुर में जिला स्तरीय युवा उत्सव के अंतर्गत आयोजित विज्ञान मेला और युवा कृति हस्तशिल्प प्रतियोगिता का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलन और फीता काट कर किया गया। दरअसल यह आयोजन कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा प्रस्तुत विज्ञान और हस्तशिल्प की सराहना की। उन्होंने कहा कि बच्चों ने बेहतरीन नवाचार का प्रदर्शन किया है जो हमारे जीवन को आसान बनाने वाले उपकरणों और विचारों को दर्शाता है। प्रदर्शनी में विभिन्न नए कॉन्सेप्ट्स पर काम किया गया, जिसमें बिजली के लोड को नियंत्रित करने वाले उपकरण और ट्रैफिक रेगुलेशन जैसी समस्याओं के समाधान शामिल थे। जिलाधिकारी ने कहा कि पुरस्कार जीतने वाले प्रतिभागियों की संख्या सीमित है, लेकिन सभी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस विज्ञान मेले की थीम इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, जिसमें युवाओं ने अपने नवाचारों को मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में प्रदर्शित किया। वहीं हस्तशिल्प प्रतियोगिता में हैंडीक्राफ्ट, एग्रो प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल जैसी कृतियों का
प्रदर्शन किया गया। प्रतिभागियों ने मिट्टी, गोबर, पुआल, बांस और अन्य सामग्रियों से बनी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज नॉलेज पार्टनर के रूप में शामिल था और जिला स्तरीय युवा महोत्सव के आयोजन हेतु अंकित रंजन जिला कला एवं सांस्कृतिक पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी के रूप में उपस्थित रहे। वहीं विज्ञान मेले में सुमन कुमार और उनकी टीम, जबकि एग्रो प्रोडक्ट में जेवा परवीन, हैंडीक्राफ्ट में अमन सागर और टेक्सटाइल में ब्यूटी कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, अंकित रंजन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर जिले के शाहकुंड थाना क्षेत्र में 2 अक्टूबर को एक निजी विद्यालय के छात्रावास में रह रहे 8 वर्षीय छात्र लकी आनंद की हत्या का मामला सामने आया है। छात्र के परिजनों का आरोप है कि स्कूल के प्रबंधन ने गला दबाकर उसकी हत्या की है। घटना के दिन स्कूल प्रबंधन ने लकी आनंद के परिजनों को यह सूचना दी थी कि उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई है और उसे इलाज के लिए भागलपुर के एक निजी अस्पताल ले जाया जा रहा है, लेकिन जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बच्चे का शव एक मैजिक गाड़ी में पड़ा मिला। जब परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से सवाल किया कि मौत के बाद उन्हें सूचना क्यों दी गई, तो प्रबंधन ने कहा कि बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उसे पहले शाहकुंड के अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए निजी क्लिनिक रेफर किया गया। वहीं परिजनों ने इस घटना को हत्या बताते हुए शाहकुंड थाना में स्कूल प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। लकी आनंद के माता पिता सौरभ कुमार और ममता कुमारी न्याय की मांग को लेकर भागलपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। शनिवार को मृतक के परिजनों ने जिलाधिकारी से मिलकर अपने बेटे की हत्या के मामले में न्याय की गुहार लगाई है।